कन्यावत विधानसभा के लसाडिया मुख्यालय पर दिवंगत विधायक गौतम लाल मीना की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम एवं जनसभा कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया हेलीकॉप्टर से लसाडिया पहुंची। भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीना व भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। राजे हेलीपैड से मूर्ति स्थल पहुंची, जहां स्वर्गीय गौतम लाल मीना के परिजनों ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। उसके बाद मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ। इससे पूर्व लसाडिया कस्बे में विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर पहुंची। मंच पर से राजे ने सभी उपस्थित लोगों का हाथ जोड़कर व हाथ हिलाकर अभिवादन किया। विशाल जनसभा में भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीना ने संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया। राजे के कार्यक्रम में पधारने के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पार्टी के बैठक होने की वजह से नई दिल्ली जाने के कारण मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन का जाप्ता तैनात रहा। आपको याद होगा कृषि मंडी का इन्होंने घोषणा की थी, कृषि मंडी की शायद कोई नहीं, 10 दिन के अंदर हम सब किसानों के कर्ज को माफ कर दिए। यहाँ कोई है जिसका कर्ज माफ हुआ? संपूर्ण कर्जा किसान का हम माफ कर देंगे, कोई नहीं किया। ये तो कहने की बातें हैं, झूठ बोलने में वो माहिर है और भ्रष्टाचार की सरकार है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर देश के अंदर कहीं किसी प्रदेश के अंदर हो रहा है तो वो राजस्थान के अंदर हो रहा है। कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, दुष्कर्म, गैंग वॉर, लूट, हत्या सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर है तो वो इस प्रदेश के अंदर है। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ, आप सब मेरे परिवार के लोग, हम सबके परिवार के लोग जब बैठे हुए हैं, आपका प्यार और आशीर्वाद यही हम। कन्हैया ने मुझे बुलाया था, नहीं हम लोग आ रहे हैं स्टैचू का अनावरण। ये काम करके पर मेरे दिल में नीचे ऐसा व्यक्ति हमको छोड़ के गया है जिस व्यक्ति का कोई मूल नहीं है। क्या आप लगा सकते ऐसा व्यक्ति ईमानदार, मैंने निष्ठावान, लोगों से जुड़ा हुआ, सेवाकारी।